Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? That's a deal. तो अभी मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ ये जो शोरूम है उनके ओनर को. उनका नाम है फैसल वाड़िया, जहाँ से मैंने जैसे बोला पहले ही आपको थोड़ी देर पहले, वो प्रीमियम बाइक और प्रीमियम कार में डील करते हैं. तो अगर किसी को सेकंड हैंड बाइक लेनी हो तो यहाँ पे आ सकते हैं. वैसे तो मैं यहाँ पे ZX10R देखने आया था अपने लिए, पर मैंने सोचा यहाँ पे बाइक बहुत सारी खड़ी थी तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ करके मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा लंबा करके आप लोगों को सारी बाइक्स भी दिखा देता हूँ और फैसल भाई से भी मिलवाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनके साथ बाइक ली हुई है और वो अच्छी बाइकों में डील करते हैं. तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ. और गुजरात में, गुजरात के अंदर किसी को भी हम सेकेंड हैंड बाइक, सुपर बाइक लेनी है तो वो भी ले सकते हैं. तो चलो मिलवाते हैं आप लोगों को फैसल भाई से. ये रहे फैसल भाई. कैसे हो फैसल भाई? ऑल गुड. तो आपने ये शोरूम कब से चालू किया है? ये 1.5 साल हो गया, 1 year 6 months हो गए. और कौन सी बाइक में डील करते हो आप? प्रीमियम बाइक्स. बेस मॉडल में देखो तो हार्ली डेविडसन की स्ट्रीट 750 है. उसके अलावा अगर कोई एसयूवी में छोटे KTM वगैरह आ जाते हैं तो वो भी रख लेते हैं. और कौन सी कार में भी डील करते हो आप? कार में प्रीमियम सेगमेंट के कार है, जैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW, वो सारी चीजें है. वो ज्यादा नहीं रखता हूँ, एक दो रखता हूँ. ओके तो मेजर अपना पूरा बाइकिंग का ही है, फोकस बाइक के ऊपर ही है. ओके और ये है फैजल भाई का पूरा शोरूम, उन्होंने बनाया हुआ है अच्छी तरीके से पूरे. वो भी बाइक एंथुजियास्ट है तो उनका खुद का भी हेलमेट यहाँ पे लगा हुआ है. सारे दूसरे हेलमेट भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं. और बाकी सब सर्विसिंग का भी सामान यहाँ से आपको मिल जाएगा अगर कुछ भी चाहिए तो. कौन सी बाइक से चालू करेंगे हम? जैसे स्टार्ट करना हो वैसे. तो अपने पहले लोअर कैटेगरी से चालू करते हैं, बाद में अपने अपर कैटेगरी में जाते हैं. तो ये रही स्ट्रीट 750 हार्ली डेविडसन. ये बाइक आपको फैसल भाई उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन सब दिखाएंगे और कितने में पड़ेगी. और पीछे धवल भाई देखो मजे ले रहे हैं, फोन पे बैठा हुआ है धवल भाई. तुम्हारी हाँ. तो फैसल भाई ये वाले स्ट्रीट 750 के बारे में अपने को बता रहे हैं कौन सा ईयर है और क्या है स्पेसिफिकेशन, प्लीज बताइए. 2014 का स्ट्रीट 750 है, हार्ली डेविडसन का बेस मॉडल है 750cc. 19,000 चला हुआ है, स्टॉक बाइक है, कंपनी कंडीशन में, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीस में है. अभी बोलोगे आप तो बुलेट से सस्ता है. बुलेट से सस्ता आपको हार्ली का बाइक मिल जाएगा, हार्ली स्ट्रीट 750 जो उन्होंने प्राइस बोला है 2 लाख रुपए. ठीक है. और इसमें नेगोशिएशन या ऐसा कुछ के फाइनल प्राइस है? अगर आपको स्ट्रीट 750 चाहिए बुलेट की जगह पे आप ले सकते हो. और ये 750cc है और बुलेट से ज़्यादा रिलायबल है. तो उनके पास दो स्ट्रीट 750 है, ये ब्लू कलर में है. तो फैजल भाई ब्लू कलर के बारे में कुछ? ये 2016 मॉडल है. ओके. सेकेंड ओनर है. ओके. ओनली 12,000 चला हुआ है. ओके. इसमें आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड, LED हेडलाइट और स्क्रीमिंग ईगल के एग्जॉस्ट डाले हुए हैं. ओके. तो ये रही LED हेडलाइट जो बोल रहे हैं, क्रैश गार्ड और स्क्रीमिंग ईगल का एग्जॉस्ट है. ये रहा, आप देख सकते हो स्क्रीमिंग ईगल लिखा हुआ, ये रहा. तो इसका आस्किंग क्या है? ये है फाइनल 2,75,000. आस्किंग रेट कभी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं हल्का सा नेगोशिएट करने के लिए. चलो तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा नेगोशिएशन हो जाएगा ब्लू कलर वाली जो हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 है उसके ऊपर ही. तो अभी आते हैं अपने ये Z800 के ऊपर. ब्लैक कलर काफ़ी प्यारी दिख रही है ये वाली, और इसमें काफ़ी सारी लोडिंग्स भी लगी हुई है. तो फैजल भाई इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें टू ब्रदर का एग्जॉस्ट लगा हुआ है. टू ब्रदर का एग्जॉस्ट लगा हुआ है. हाँ, ये फ्रेम स्लाइडर्स है, इंजिन प्रोटेक्टर्स है, फॉक्स स्लाइडर्स है, पेडोक स्पूल, डबल डबल वाइजर, टैंक पेड, स्पेशली इसमें स्टेरिंग डैम्पर लगा हुआ है. ये जो बाइक बैलेंस करता है, जो स्टेरिंग डैम्पर जो बोल रहे हैं फैजल भाई, ये वाली चीज़ है, ये इसको स्टेरिंग डैम्पर बोलते हैं. ये बाइक जब वॉबल करती है तो एडजस्ट करता है. काफी सारे पार्ट्स कार्बन फाइबर हाइड्रो डिप किया हुआ है. तो ये कार्बन फाइबर नहीं है बट हाइड्रो डिप किया हुआ है. जैसे कि ये पार्ट है पूरा Z800 के ऊपर, बाद में ये वाला पार्ट है, बाद में ये पूरा जो हगर आता है वो वाला पार्ट भी पूरा किया हुआ, और चेन के ऊपर वाला पार्ट भी, मतलब ये पूरा एक ही आता है तो वो पूरा भी डिप किया हुआ है. कार्बन फाइबर डिप है, कार्बन फाइबर नहीं है. बराबर जी. ओके. तो इसका क्या प्राइस है और कौन सा ईयर बोला आपने? ये 2017 का है. ओके.
21,000 चला हुआ है और उसका प्राइस है 625,000। आप यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा सा बाइक बार्गेन करके करके देंगे और बाकी प्यारी बाइक है। जैसे मैंने बताया, मैंने 2 साल पहले इनसे ही Z800 ली थी, 2017 वाली, जो अभी आप देखते हो मेरे वीडियो में कुलदीप के पास है, वही वो मेरी वाली बाइक है जो मैंने इनसे ली थी। बराबर है फैजल भाई, सही बात? ओके, तो अभी कौन सी दिखाएंगे फैजल भाई, बोलो। वाह, ये अपनी ड्रीम बाइक है, इसके लिए अपने यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मैं आया था तो Z800 देखने ही आया था और वो उसके बारे में भी वो बता रहे हैं। तो अगर अपने पास डील होती है तो अपने शायद लेने का सोच रहे, अभी प्लान नहीं है। तो अभी फैजल भाई अपने को Z800 के बारे में बताने वाले जो मैं लेने का सोच रहा हूँ, लिया नहीं है। तो फैजल भाई बताइए बाइक के बारे में। 2,950,000 का इसमें पूरा एसेसरी डाला हुआ है, ऐसा फैजल भाई का एक्सपेंस किया हुआ है। ओके, एक्सपेंस किया हुआ है। तो क्या क्या इसमें लोडिंग लगी हुई है? जैसे कंपनी रियर सीट और फुटरेस्ट नहीं देते। ओके, ये चीज डाला हुआ है कस्टमर ने अलग से। ओके, 5 ईयर का फुल जीरो डेप्थ इंश्योरेंस किया हुआ है। ओके, एक्रा पॉइंट का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। ओके, डबल बबल वाइजर, RNG के फ्रेम स्लाइडर्स, RNG का रेडिएटर ग्रिल, RNG का फॉक्स स्लाइडर, RNG का पेडॉक स्पूल, ऐसी काफी चीजें इसमें डाली हुई है। भाई काफी प्यारी बाइक है, बहुत ही अच्छी दिख रही है ये वाली बाइक। कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो पा रहा है वाइड एंगल में, बट क्या प्यारी बाइक है और एक भी स्क्रैच नहीं है, स्क्रैचलेस बाइक है। जिसने भी रखी थी बहुत ही प्यारी तरीके से रखी हुई है। आई थिंक सिरामिक कोटिंग भी हुआ हुआ है। सिरामिक कोटिंग भी हुआ हुआ है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखो इसमें आप मुझे भी देख सकते हो, फोन और मैं भी दिख रहा हूँ। तो इसका क्या है आस्किंग? ये आस्किंग प्राइस मैं अभी फिलहाल नहीं बताना चाहूंगा। अगर इसका पर्टिकुलर जो कोई अच्छे से इंटरेस्ट रखता है उसी के लिए इसका प्राइस रिवील करना अच्छा रहेगा। ओके, तो आप अगर यहाँ पे आओगे Z800 के लिए तो ही आपको प्राइस मिलेगा। बाय द वे 2019 मॉडल है जैसे उन्होंने बोला, और ओनली 4000 किलोमीटर चला हुआ है, तो इससे ज्यादा तो क्या चाहिए। प्योर नई बाइक ही है। अगर आपको नई बाइक लेनी है तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सेकेंड हैंड लो, तो आपको डेप्रिसिएशन कम होगा और सस्ते में भी मिलेगी। तो ये रही अपनी प्यारी 765, सॉरी मैं हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होता हूँ, उसमें दो तरह का क्या आते हैं। ये वाली 765 RS है, स्ट्रीट ट्रिपल, जो अपने रजत की बाइक है, अभी फैजल भाई ने ले ली है। रजत की थी, सॉरी अभी फैजल भाई ने ले ली है, तो ये अभी उनके पास है। बताइए इसके बारे में। ये 2018 मॉडल है, रजत भाई अच्छे राइडर थे, उन्होंने लॉन्ग लॉन्ग राइड्स किए हैं, इसीलिए ये 18,000 चली हुई है। बट गाड़ी, टायर्स, बॉडी कंडीशन सब बढ़िया है, तो टोटल ब्रांड न्यू है। तो इससे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अच्छी बाइकों में ही डील कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, ये बाइक भी अपने साथ घूमी हुई है और अच्छी तरीके से घूमी हुई है, मतलब इसमें भी कोई जात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कोई भी सेकेंड हैंड अच्छी बाइक लेनी है तो फैजल भाई के पास आना ज़रूरी है। मैं भी आता हूँ, मैं भी अभी आप जैसे बताया ये रही अपनी टाइगर खड़ी हुई है, अपने भी ये Z800 के लिए भी आए हुए। लेना है तो भी मोस्ट वेलकम, नहीं लेना है सिर्फ देखना है तो भी मोस्ट वेलकम, तो भी मोस्ट वेलकम है, भाई ने बोल दिया है। तो अभी इसका क्या है आस्किंग? ये इसका आस्किंग प्राइस है 725। ओके, अगर कोई अच्छा कस्टमर आता है तो बार्गेन करके इसको भी हम लोग सेल आउट कर देते हैं। ओके, तो आपको मैं बारी बारी से सारी बाइक्स के साउंड सुना देता हूँ, तो आपको अंदाजा आ जाए कि कौन सी बाइक कैसा आवाज़ करती है। ठीक है, मज़ा आता है जब आवाज़ सुनते हैं ना 4 सिलेंडर बाइक की, उसी लिए मेरे को चूल मची हुई है बाइक चेंज करने की, तो आपको दिखाते हैं। तो अभी आप लोग सुनोगे Z800 की आवाज़, फुल सिस्टम एक्रा। अभी मैं थोड़ा दूर ही खड़ा रहूँगा, धवल भाई अपने मुँह में पूरा घुसा देते हैं, तो क्या आवाज़ है। देखी वो फ्लेम देखी।
भाई अभी तो मन हो गया है कि यहाँ से लेके जाइए। फैजल भाई थोड़े ढीले नहीं पड़ रहे प्राइस पे अपने साथ? अदरवाइज अपने लेके जाते ये वाली बाइक। क्या गजब का, क्या बोलूँ अभी, मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ। क्या गजब का उसमें से फायर शॉट निकला था, ऐसा तो अपनी निंजा में से भी नहीं आ रहा था ऐसा वाला फायर शॉट। गजब गजब मजा आ गया। अभी तो कोई और बाइक का पसंद ही नहीं आएगा साउंड अपने को। नहीं, इसका आवाज भी बहुत बढ़िया है। तो ये अभी है Z800। भाई इसमें फ्लेम नहीं आ रही है ना? मैं दूर हट जाऊं। Z800 की भी बहुत प्यारी आवाज़ है, पर अपना दिल तो आ गया ZX10R के ऊपर, जो फटाके फूटे जड़ी बूटी वाले वो देख के। और ये बाइक ये देखो वो भाई, इसने पूरा पूरा तो इतनी जोर जोर से क्यों रेव कर रहे हो तुम? मेरे सब्सक्राइबर को यही तो पसंद है तो भाई, इसीलिए मैं भी आया हूँ इधर दूसरी वाली बाइक। तो मैं बोलता हूँ तू भाई ना एक छोटा सा स्पीकर ले ले, टाइगर में लगा देते। तो अभी आप लोग साउंड सुनने वाले हो 765 स्ट्रीट ट्रिपल ट्राइम। काफी प्यारी आवाज थी उसकी। डबल बाइक क्या कर रहे हो यार तुम? तो आपने सारी बाइक्स देख ली है, मेरे पीछे ही सारी बाइक्स खड़ी हुई है। ये रहा छोटा सा शोरूम है, पर काफी है इतनी बाइकों के लिए। और भी बाइक्स है, अगर आपको चाहिए तो उनको पूछ सकते हो। आपकी प्रिफरेबल बाइक भी आप उनको पूछ सकते हो। मैं लिंक में नीचे लिंक दे दूंगा, इनका एड्रेस और इनका फोन नंबर। फालतू चीज़ों के लिए फ़ोन मत करिएगा कि इसका नंबर दे दो उसका नंबर दे दो, वो आपको नहीं मिलने वाला है किसी का भी नंबर। आपको अगर काम हुआ तो ही फ़ोन करिएगा, किसी को भी फालतू में परेशान मत करिएगा। तो अगर बाइक लेनी है तो ही ये वो नंबर पे फ़ोन करिएगा आप लोग, ठीक है? और दूसरा मैं ये बोल रहा था कि सारी बाइक्स आपको दिखा दिए, और अगर आपकी कोई प्रिफरेबल बाइक हुई तो भी आप उनको बोल सकते हो, तो वो आपको अरेंज करवा के कर सकते। सही बात बोल रहा हूँ फैजल भाई? जी बिल्कुल। हाँ। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, सारी बाइक इंडियन इनवॉइस वाली होती है, क्लियर पेपर वाली। कभी भी कहीं से भी उठा लो, कहीं पे भी ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। और सारी बाइक आप कोई भी हिस्ट्री चेक करा लो, सारी चीजें नॉन एक्सीडेंटल क्लीन बाइक ही मिलेगी आपको। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो क्लीन बाइक में ही डील करते हैं, फालतू फालतू बाइक लेके रखते नहीं है। हाँ, आपको थोड़ी महंगी अगर लगे कोई भी बाइक तो आप यहाँ पे आके उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो प्राइस फिक्स है, एक ही बाइक का प्राइस फिक्स है। जो ये वाली मेरे पीछे जो स्ट्रीट खड़ी है वो आपको 2 लाख रुपए मिलेगी। मैं तो बोलता हूँ अगर बुलेट लेनी है तो उससे अच्छा आके ये 2 लाख वाली स्ट्रीट 750 ले लीजिए। हार्ली का टैग भी आ जाएगा और आपके पास सुपर बाइक भी आ जाएगी और आपका ड्रीम भी खत्म हो जाएगा। मैंने भी वैसे ही चालू किया है। देखो, एक पर्टिकुलर छोटा आदमी जब बाइक लेता है तो लेवल बाय लेवल बाय लेवल बाय ऊपर चढ़ता है, तो मैंने भी वैसा ही किया है। मैंने स्ट्रीट 750 ली, उसके बाद दूसरी बाइक के लिए। तो आपका एक शौक भी पूरा होना चालू हो जाता है। आप पहले से बड़ा ड्रीम रखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो को अपने यहीं पे एंड करते हैं। और आपको अगर कोई भी बाइक की इंक्वायरी करनी है तो मैं नंबर भी दे देता हूँ और आपको एड्रेस भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे आके फैजल भाई से मिल सकते हो और बाइक में अगर डील करना है तो कर सकते हो। उनके पास हेलमेट वेलमेट सब मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, राइड एंड राइड सेफ।